जिला चिकित्सालय छतरपुर की स्वास्थ्य सेवाएं दिनों भगवान भरोसे चल रही हैं। अस्पताल में डॉक्टर ओपीडी से गायब रहते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को घंटों इंतजार करना होता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिला चिकित्सालय की, जहां मीडिया के भ्रमण के दौरान ओपीडी में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर नदारद मिले। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टरों के चैंबर के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं है। वहीं जिला चिकित्सालय की चौथी मंजिल पर भर्ती मरीज जमीन पर लेटकर अपना इलाज करा रहे हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर राउंड पर नहीं आते, केवल स्टाफ नर्स के सहारे लोगों का इलाज हो रहा है। और पूरे मामले में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार ने कहा कि कुछ डॉक्टर छुट्टी पर हैं तो वही कुछ डॉक्टर राउंड पर हैं, लेकिन जब वार्डों में जाकर देखा तो पता चला कि कोई भी डॉक्टर राउंड पर नहीं है। वहीं मरीजों ने बताया कि डॉक्टर अपनी ड्रेस कोड में नहीं रहते, इसलिए डॉक्टरों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर संदीप जी आप लगातार जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, चूंकि मैं भी राउंड पे था, फोर्थ फ्लोर पे, मैं 10 आरएमओ और सहायक प्रबंधक के साथ, तो डॉक्टर संगीता चौबे हैं वो ऊपर राउंड ले रही थी, अभी ओपीडी में बैठी हुई हैं। डॉक्टर रचना चौरसिया हैं, 20 मई से ईएल पे हैं। डॉक्टर सुरभि करे हैं, गायनी की उसमें ऊपर देख रही हैं, राउंड पे हैं। रवि सोनी और डॉक्टर धमनिया दोनों अवकाश पर हैं। इनके आपके पास बाकी डॉक्टर गौरव अग्रवाल, इनका मैं पता करवाता हूँ, उसका हो सकता है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं या कॉल पर भी हो सकते हैं, ऑन कॉल में, परंतु ओपीडी में मेरे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, तो ऐसी ओपीडी की कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ही देख सकते हैं कि ओपीडी में मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है, इससे पता लगता है कि डॉक्टर बैठे हुए हैं तो भीड़ कम हो रही है। फिर भी यदि कोई डॉक्टर नहीं बैठा है तो हम उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।